बिल्कुल, देखिए 1563 विद्यार्थियों को यह विकल्प दिया जाएगा कि वे दोबारा से परीक्षा दे सकते हैं, या फिर जो ग्रेस मार्क जो उनको मिले हैं और उससे हटा करके जो उनका एक्चुअल स्कोर होता है उस सर्टिफिकेट के साथ, उस स्कोर के साथ वे काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अब देखना यह है कि इन 1563 विद्यार्थियों में से 23 जून को जो परीक्षा प्रस्तावित है उसको लेकर के एनटीए ने बताया है कि आज ही उसका नोटिस जारी हो जाएगा और 30 तारीख तक उसका परिणाम आना है, क्योंकि काउंसलिंग जो है वह हो पाए इसके लिए यह व्यवस्था की गई है। अब देखना है कि उनमें से कितने विद्यार्थी जो है वो अपीयर होते हैं, क्योंकि ग्रेस मार्क को लेकर के शुरू से विवाद था और तब एनटीए जो है यह दलील दे रही थी कि सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने फैसले के आधार पर इन अभ्यर्थियों को ग्रेस मार्क दिया गया है। हालांकि अब जब ये ग्रेस मार्क वापस लेने की और इन अभ्यर्थियों को वापस से परीक्षा देने की बात है तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि कितने विद्यार्थी उस परीक्षा में अपीयर होते हैं, क्योंकि इसी को लेकर पूरा विवाद था। और इसके साथ साथ जो परीक्षा जब हो रही थी तो पेपर लीक, पहले दर्शकों को सुनाते हैं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा गया। तो मैं आपको स्पष्ट करूं, देयर इज नो करप्शन। ये जो एक वातावरण बनाई जा रही है कि बहुत बड़ा एनामली हुई है नीट के संबंध में, पिछले दिनों में नीट में आपकी जानकारी के लिए बताऊं 24 लाख स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं। अभी जो मसला जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आज भी चल रहा है, सरकार ने अपना पक्ष रखा है उसमें, ये लगभग 1500 स्टूडेंट की है और एक ग्रेटर क्वेश्चंस कुछ उठाए गए हैं, सरकार उसकी सामना करने के लिए उसको संतुष्टि के साथ बच्चों को उत्तर देने के लिए बहुत प्रामाणिकता के साथ खड़ा है। स्पेसिफिक घटना जो आए हैं उसको सरकार गंभीरता से लिया है, एकेडमिशियंस की कमेटी बनी है, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिया है, उस हिसाब से सरकार आज कोर्ट के सामने उस पक्ष को रखेगा। और बाकी जो नीडफुल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही कुछ साल पहले से एनटीए की गठन हुई है, पिछले दिनों में आज एनटीए लगभग 3 बड़े बड़े एग्जामिनेशन कराते सक्सेसफुली कराते है, नीट, जेई और सीयूईटी। इतने बड़े देश में जब 13 लैंग्वेज में एग्जामिनेशन होगा, विश्व की कई देशों में एग्जामिनेशन सेंटर होगी, कई प्रकार के स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जो घटना हमारे सामने आई निश्चित रूप में दोषियों को उसमें दंड दिया जाएगा। लेकिन मैं विद्यार्थियों को मुख्यतः और अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहूंगा, भारत सरकार और उसकी इंस्ट्रूमेंट एनटीए कमिटेड है बच्चों को ट्रांसपेरेंट तरीका से अपनी संतुष्टि से न्याय देने के लिए। इस बार 24 लाख बच्चे सक्सेसफुली एग्जामिनेशन भी दिए हैं। सहयोगी सोमू के पास चलते हैं एक बार फिर से। सोमू, आपसे जानना चाहेंगे काउंसलिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ रुख अपनाया गया है, संक्षेप में जानकारी दीजिएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि अभी काउंसलिंग पर कोई रोक नहीं लगाई गई है और ये जो अभ्यर्थी हैं ये परीक्षा देते हैं, इसके बाद जो परिणाम आएंगे उसके बाद से काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। ठीक है सोमू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।